अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज हमारे पास 2D डीजल गाड़ी खुली हुई है। आज इसका हेड खोला है, इसकी गैसकेट क्रॉस हो गई थी, गैसकेट फट गई थी, तो इसका हेड हमने खोला हुआ है। ये देखें इसकी फिटिंग वगैरह खोली हुई है, काफ़ी हेड खोला हुआ है, टाइमिंग साइड खोली हुई है और बाकी चीज़ें जो खुलती हैं वो खोली हुई हैं सब। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये गाड़ी है 2010 मॉडल 2D डीजल, जो 2010 मॉडल में भी आई है 2D, और बाकी पुराने मॉडल भी हैं 2D के। हम इसके पिस्टन चेक कर रहे हैं और ताकि इनमें कोई प्ले तो नहीं है, और बोर भी चेक कर रहे हैं। बोर जो है हल्का सा कटा हुआ है लेकिन चल जाएगा, ये जो है अभी मसला नहीं है, चल जाएगा। अभी हम आपको फिर गैसकेट दिखाते हैं कि गैसकेट की कैसी कंडीशन है, कैसी सूरत हाल है, गैसकेट कहाँ से गई है। ये देखें दोस्तों गैसकेट, ये देखें 3 नंबर और 4 नंबर का जो पिस्टन है वहाँ से क्रॉस हुई है। जब ये क्रॉस हो जाती है तो गाड़ी स्टार्ट तो होती है लेकिन साउंड जो है चेंज हो जाता है, साउंड इंजन का जो है वो बहुत ही अलग हो जाता है। तो अभी हम इसको निकाल रहे हैं, गैसकेट हम इसकी दूसरी डालेंगे, ये गैसकेट हम इसकी निकाल रहे हैं हेड से। ये चीज़ें होती हैं कि आप पानी चेक करें और फ़ैन को चेक करें और कांटा जो होता है टेम्परेचर का, जो सुई होती है टेम्परेचर की, उस पर नज़र होनी चाहिए आपकी, ताकि गैसकेट से जो है आपकी बचत हो जाए और गाड़ी हीटअप नहीं हो। अगर फ़ैन बंद हो जाए तो एहतियात करें, गाड़ी टेम्परेचर उठाती है और बंदा देख लेता है कि क्या मसला है इसमें। इसका भी फ़ैन बंद हुआ था और गाड़ी हीटर मार गई है। फ़ैन इसका ऑटो पे था, ऑटोमेटिक जो फ़ैन होता है वो काम नहीं कर रहा था।